हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एबीसी डॉट दिव्या। आज हम बनाएंगे नारियल के लड्डू। आइए देखते हैं हम इसे कैसे बनाएंगे। सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू नेवर मिस माय एनी अपडेट्स। लग रहे हैं ना हमारे नारियल के लड्डू एकदम टेस्टी। इसे बनाना और भी आसान है। चलो देख लेते हम इसे कैसे बनाएंगे। एक पैन लो की पैन में हम एक चम्मच घी डालेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे सूखा नारियल। दो कटोरी हम इसमें सूखा नारियल डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे। इसे हमें गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे रोस्ट करना है और इसे आप लगातार चलाते रहिएगा। अगर आपने बीच में रोका ना तो ये नीचे से जल जाएगा। और 2-3 मिनट हो गए, अब मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी दूध और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और इसे भी 2-3 मिनट तक पका लेंगे। इससे हमारे नारियल का कच्चापन निकल जाएगा और दूध भी अच्छे से पक जाएगा। और ये दूध और नारियल पक चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी चीनी और इसे भी हम एक बार मिक्स कर देंगे। और 2 मिनट हो चुके हैं, हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर और इसे भी हम एक बार मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर आप ज़्यादा मत डालिएगा, नहीं तो वो आपके दांतों में चिपकेगा। हमें मिल्क पाउडर सिर्फ थोड़ा ही डालना है ताकि हमें थोड़ा खोए का टेस्ट आ सके। बस इसे ही हम 3-4 मिनट तक चलाते रहेंगे और 3-4 मिनट बाद हमारा एक शेप आने लगेगा लड्डू जैसा। आपको वीडियो में दिख रहा होगा, हम जब चम्मच से ऐसा मिक्स करेंगे तो आपको एक लड्डू का शेप दिखेगा। बस इसी टाइम पे हम गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये ठंडा हो गया है, अब हम हाथ में लेंगे और ऐसा एक शेप बना के देखेंगे। ये लड्डू का शेप बन रहा है, अब हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए मैंने एक चम्मच ली है जिससे हम सारे लड्डू का नाप ले सके और सारे लड्डू एक जैसे बने। एक चम्मच ली, उसमें मैंने हमारा नारियल का मिक्सचर लिया है, उसे हमने चम्मच में फिल किया और उसका एक नाप ले लिया। ऐसे ही करके मैंने सभी मिक्सचर और लड्डू का नाप ले लिया है। अब मैं यहाँ पे लूँगी 1 कटोरी। कटोरी में लेंगे हम डेसिक्रेटेड कोकोनट। जो कोकोनट को हमने लड्डू बनाने के लिए लिया है वो ही कोकोनट लिया है। लड्डू का हम शेप करेंगे और इसके बाहर की तरफ नारियल लगा देंगे ताकि हमारे लड्डू और भी ज़्यादा सुंदर दिखे। ऐसे करके हम सभी लड्डुओं में करेंगे। आप ये लड्डू को बहुत ही फटाफट से बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मेहमान आए और आपके लिए आपके घर में कोई मीठा ना हो तो आप फटाफट से लड्डू बना करके खिला सकते हैं। ये लड्डू को आप फास्ट में खा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, जल्दी से बन जाते हैं। और क्या चाहिए लड्डू बनाने के लिए। और ये देखिए, हमारे सुपर सॉफ्ट टेस्टी नारियल के लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी सोशल एप्लीकेशंस पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आप मुझे वहाँ पर जाकर जरूर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आपको एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय।